नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था क्रिया, वो कंप्लीट हो चुका है। क्रिया को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और उसे कंप्लीट कल ही हमने कर लिया था। क्रिया का जो टॉपिक था वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अव्यय। क्या होगा? अव्यय। मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार थे, कितने थे शब्द के कितने प्रकार थे। नंबर एक विकारी और नंबर दो अविकारी। क्या हुआ? अविकारी। विकारी शब्द कितने थे? विकारी शब्द थे संज्ञा, स्वरनाम, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द बताए थे। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। जबकि ये हमने संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक होगा अविकारी शब्द, और क्रिया को लास्ट टाइम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, जिसे विकार नहीं किया जा सके, अर्थात अव्यय, इसे अव्यय कहते हैं। अव्यय, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसे व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे व्यय नहीं किया जा सकता। नोट करिए अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय। क्या होगा? अव्यय। क्या होगा? अव्यय। अविकारी शब्द या अव्यय। क्या होगा? अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिन्हें व्यय नहीं किया जा सकता, वे शब्द जिन्हें व्यय नहीं किया जा सकता, व्यय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। वे शब्द जिन्हें व्यय नहीं किया जा सकता, व्यय का मतलब है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, वे अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। नोट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे साथ साथ भी नोट करना आप लोगों का कर्तव्य होगा। ठीक है, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। और वे शब्द जिन्हें व्यय नहीं किया जा सकता, जिन्हें व्यय नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, वे कारक के अनुसार लिंग, वचन और कारक के अनुसार वे नहीं होते, या फिर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। भाई देखिए, वे शब्द जो वे नहीं होते, पहली बात तो ये कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। एक मिनट बच्चों, अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। और अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय का जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर अव्यय वे शब्द जिन्हें हम व्यय नहीं कर सकते, अर्थात जिनके रूप परिवर्तित नहीं होता, लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि विकारी शब्दों में क्या होता था? विकारी शब्दों में रूप परिवर्तित हो जाता था। जैसे अगर बात करते हैं हम, जैसे किंतु, बहुत, थोड़ा, किंतु बहुत
थोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, किंतु थोड़ा बहुत धीरे धीरे, ठीक है, कल प्रातःकाल, प्रातःकाल आदि। अब एक बात बताइए, क्या मैं बोलूं कि राम प्रातःकाल घर जाएगा, राम प्रातःकाल घर जाएगा? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे राम प्रातःकाल घर जाएगा, प्रातःकाल घर जाएगा। देखिए, राम घर जाएगा, अगर मैं बोल दूं कि राम घर जाएगा, सीता घर जाएगी, जाना क्या है? क्रिया। जाना क्या है? वो है क्रिया। और राम क्या है? कर्ता। राम क्या हुआ? राम हुआ कर्ता। जाना क्या हुआ? क्रिया। और घर क्या हुआ? कर्म। ठीक है, लेकिन प्रातःकाल क्या हुआ? प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हुआ? ये हुआ अव्यय। अभी आप इतना ही समझिए, ये हुआ अव्यय। भाई राम प्रातःकाल घर जाएगा, अगर मैं इसी बात को लिख देता हूँ, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा, क्या करेगा? राम घर जाएगा। भाई देखिए, राम घर जाएगा, ठीक है, आम सी बात है, साधारण है। सीता घर जाएगी एक बात है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राम घर प्रातःकाल घर जाएगा, तो उसकी विशेषता बता दी कि वो प्रातःकाल घर जाएगा। और ये क्या हुआ? ये अव्यय हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं राम को बदलता हूँ, मैं करता हूँ सीता प्रातःकाल घर जाएगी, सीता प्रातःकाल, प्रातःकाल घर जाएगी। क्या मैंने जब इसका लिंग बदला तो प्रातःकाल पर कोई फर्क पड़ा? जैसे क्रिया बदल गई, मैंने कहा था कि क्रिया लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाती है, क्योंकि वो विकारी शब्द होते हैं और वो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही मैंने सीता को बदला, राम की बजाय मैंने सीता को लिखा, जैसे ही मैंने लिंग को बदल दिया, तो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, तो क्रिया बदल गई, ठीक है, जाएगा से जाएगी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को बदला, लेकिन प्रातःकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, घर, घर क्या है? उसका कर्म है, घर क्या है? उसका कर्म है, ठीक है, लेकिन प्रातःकाल अविकारी शब्द है जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, अब समझ में आया। और ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रातःकाल ही क्यों विकारी शब्द है, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख सकते हो, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं बताऊँ, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ये क्या हुई? दौड़ना क्या हुई? क्रिया हुई। और घोड़े की अगर बात करो, घोड़े की जगह मैं करूँ घोड़ी, घोड़ी तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। जैसे ही मैंने लिंग को बदल दिया, तो घोड़ी, घोड़े से मैंने घोड़ी कर दिया, तो क्या हुआ? दौड़ते का दौड़ती हो गई, दौड़ते का क्या हो गया? दौड़ती हो गया। तो कर्ता के बदलने पर, कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया भी बदल गई, क्योंकि ये विकारी शब्द होते हैं। जबकि अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी मैं तेज लिख देता हूँ, तो दौड़ना तो उसकी क्या है? क्रिया। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ता है। भाई क्रिया की विशेषता, घोड़ा दौड़ता है, आम बात है, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज उसका क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज। तो तेज क्या है? अविकारी शब्द अव्यय होता है। घोड़ी तेज दौड़ती है, जैसे ही मैंने घोड़े की घोड़ी कर दी, तो क्या लिंग बदलने पर तेज पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, तेज वैसा का वैसा ही रहा। या फिर कर्ता कारक चिन्ह बदलने पर, ठीक है, या फिर कारक चिन्ह बदलने पर, या फिर लिंग, या फिर वचन बदलने पर, मतलब एक वचन का बहुवचन करने पर, वह घर जाएगा और वे घर जाएंगे, वह घर जाएगा और वे घर जाएंगे। वह एक वचन और वे बहुवचन होता है। जैसे ही मैंने बदला आपका कर्ता को, जैसे ही मैंने स्वरनाम को बदल दिया, तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने स्वरनाम को बदला, तो क्या बदला? क्रिया भी बदल जाती है, ठीक है। ये समझ में आया भाई? घोड़ा तेज दौड़ता है और घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़ा तेज दौड़ता है और घोड़ी तेज दौड़ती है।
अब यहाँ देखिए, जैसे दौड़ना, अगर मैं एक बात आसान साधारण सी आपको कहता हूँ कि घोड़ा तोड़ता है, आम बात है घोड़ा दौड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। कैसा? तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता बताई किसने? क्रिया विशेषण अव्यय ने। अब इसको आगे देखते हैं, ये आपकी समझ में आया होगा, आई होप आपने कोशिश की होगी तो ज़रूर आया होगा। ये आपको बस समझाने के लिए था कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अभी इसके अंदर का कुछ नहीं बताया गया, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा था कि आपको पता लगे कि अविकारी शब्द होते हैं किंतु, परंतु, बहु, थोड़ा, आदि, ठीक है। क्रिया अव्यय, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के प्रकार, अव्यय के कुल चार प्रकार होते हैं। कितने? चार प्रकार होते हैं। नंबर एक, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर एक पर हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर दो पर हुआ आपका संबंध वाचक अव्यय। क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और नंबर चार पर क्या हुआ? विस्म्यादि बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हुआ? समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर चार पर क्या हुआ? विस्म्यादि बोधक अव्यय। क्या हुआ? विस्म्यादि बोधक अव्यय। क्या हुआ? विस्म्या, क्या हुआ? विस्म्यादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। अब देखिए, सब में तो लिखा गया, क्या सब में तो लिखा गया, क्या लिखा गया? सब में तो लिखा गया आपका कि बोधक, लेकिन क्रिया में क्या लिखा गया? क्रिया में लिखा गया आपका, क्या लिखा गया? विशेषण लिखा गया। क्या लिखा गया? विशेषण लिखा गया। क्या लिखा गया? विशेषण लिखा गया है। तो इस पर, इससे एक बात पता चलती है, इससे एक बात पता चलती है कि सब में हमें एक बोध होता है, इस सब में हमें एक बोध होता है, लेकिन यहाँ पे हमें विशेषता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? यहाँ पे हमें एक विशेषता बताई जाएगी। जैसे क्रिया विशेषण, विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता। क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। लेकिन यह संबंध बोधक अव्यय, जिनके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध अर्थात संबंध बताएंगे, संबंध विशेषता नहीं बताएंगे, संबंध को दर्शाएंगे, विशेषता नहीं बताएंगे, बोध कराएंगे संबंध का, संबंध का ज्ञान कराएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें भी आपको ज्ञान होगा किसी चीज़ का। और विस्म्यादि बोधक, विस्म्यादि का मतलब होता है हमारी मनोदशा का ज्ञान कराना, हमारे मनोभावों को प्रकट करना, विस्म्यादि बोधक अव्यय होता है। और विस्म्यादि बोधक का चिन्ह होता है ये वाला, कौन सा? ये वाला, ठीक है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। बच्चों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों को पढ़ाया समझ में आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। और जो ये प्रॉब्लम आ रही है बाहर से आवाज़ आने की, इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सके। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लाइव आके आप लोगों को पढ़ाएं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो पूरा हो सके। दिक्कत ये है बच्चों, जैसे ही मैंने आप लोगों को कल कहा था कि सपोर्ट करिए ताकि हम लोग लाइव आ सके, अगर आप लोग चाहते हो लाइव आना, तो आज ही किसी ने सब्सक्राइब नहीं कराया, शायद आज ही किसी ने शेयर नहीं किया। अगर आप लोग शेयर करोगे, आपके दो सब्सक्राइब करेंगे, आपका परिवार ही तो बड़ा होगा। और अगर आपका परिवार बड़ा होगा, तो हम आप लोगों को सुविधाएँ दे सकते हैं, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए हम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने, जैसे ही मैंने कल बोला, ऐसे ही आज किसी ने शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब हर वहीं पे रुके हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, सपोर्ट करिए। बड़ा भाई समझ के दोस्तों, बड़ा भाई समझ के ही सही, कम से कम बात तो मानिए। जब आपका बड़ा भाई आपसे कुछ कहता है तो मानते हो ना सब कुछ, तो बड़ा भाई ही सही, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मेहनत की जाती है,
ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि बस आएंगे और पढ़ा देंगे, उन्हें ना ऐसे कोई पढ़ा सकता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, पंखा नहीं चला सकता मैं। वैसे ही बाहर से इतनी सारी आवाज़ें आती है जो मैं नहीं रोक सकता जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। और आज की प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद आ रही थी और मैं आज सो गया था दोपहर में, इस वजह से मैं थोड़ा लेट क्लास बना पाया हूँ। और जिसकी प्रॉब्लम अब ये होगी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। चलो अब हम देखते हैं, हमने देखे थे कि अव्यय के चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय। नंबर एक पर देखते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय। क्या देखते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि क्रिया की विशेषता। आप लोगों ने अच्छे से विशेषण को कंप्लीट किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्रिया की विशेषता हो जाएंगे, विशेषण के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप लोगों को ये पता होगा कि विशेषण का मतलब ही विशेषता होगा। तो कहीं ना कहीं ये विशेषण है लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय है तो क्रिया की विशेषता बताएगा। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, वे अव्यय, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या बच्चों सुविधा ही सब कुछ होती है? आप बताइए, क्या उन लोगों की ही सपोर्ट होती है जो आपको आते ही यहाँ पे बहुत कुछ एकदम से दे देंगे और ऐसे टीचर लेकर आएंगे जिन्हें पढ़ाना, छोड़िए कुछ नहीं कहता मैं, हिम्मत नहीं, ख़त्म कर देते हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो यहाँ पे भी डिजिटल बोर्ड होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी डिजिटल बोर्ड पे हम करा सकेंगे। और जिन्हें हम पढ़ाते हैं अपने परिवार को, हम इतना तो अपने परिवार पे ट्रस्ट कर ही सकते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे और हमारी बात मानेंगे, ठीक है। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, मैंने कहा है वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि क्रिया की ही विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा, मैं चाहता हूं कि ऐसे बताऊं, घोड़ा दौड़ता है भाई, घोड़ा दौड़ता है। दौड़ना क्या है? दौड़ना है क्रिया, ये साधारण सी बात है, इसमें कोई अविकारी शब्द नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या हुआ? घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या करता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब एक बात देखिए आप भाई, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या करता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब आप एक बात देखिए भाई, घोड़ा दौड़ता है और घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है? ये है क्रिया। क्या है? क्रिया। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या है, दौड़ना क्या है? दौड़ना है क्रिया। और यहाँ पे दौड़ता तो है लेकिन वो तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषण कौन, विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है भाई, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, लेकिन किसी ने कहा भाई घोड़ा तेज दौड़ता है तो कितना दबाव सा होता है ना एकदम जब बोलता है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है लेकिन तेज दौड़ता है, तो क्या हुआ? घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है।
कहीं कोई ये ना कह दे कि सर ने एग्जाम्पल गलत लिखवा दिया, तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है, मैं लिख देता हूँ कि दौड़ना क्या है, ये है क्रिया, और तेज क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय है। और घोड़ा तो आप लोगों को पता है क्या है, घोड़ा है संज्ञा, क्या है संज्ञा। अब देखते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ कि बच्चे चलते हैं, तो कार्य का होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें जो कार्य के होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। मैंने कहा बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, अगर मैं कह दूँ बच्चे चलते हैं, कार्य तो जब भी हो रहा है ना भाई, चल तो बच्चे रहे हैं, बच्चे चलते हैं, आसान सी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, अब इस चलते तो है लेकिन चलने की विशेषता क्या है कि वे धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ बच्चे तेज चलते हैं, तो तेज क्या हुआ, वो भी विशेष क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि चलने की विशेषता क्या है कि वो तेज चलते हैं, और यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, जैसे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, चलने की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलते हैं, तो चलने क्या हुआ, ये हुआ क्रिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये हुआ आपका क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ना। अब देखते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय के एग्जांपल, आप लोगों ने उतार लिया ना, सॉरी बच्चों, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। अब आप एक बात देखिए कि चलने की विशेषता क्या है, कि वो चलते तो है लेकिन कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। और चलना क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, और आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार चार होते हैं, कितने, चार प्रकार होते हैं, चार कितने होते हैं, प्रकार चार होते हैं। नंबर एक की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, या नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है कि स्थान की विशेषता बताएंगे, कि वे शब्द जो स्थान की विशेषता बताते हैं। नंबर दो पर देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर दो पर है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक अर्थात समय की विशेषता, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विशेषण अव्यय, ठीक है। और नंबर तीन पर अगर हम बात करते हैं, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। बस देखिए, स्थानवाचक जो स्थान की विशेषता बताएंगे, वे शब्द जो स्थान की, जो काल की, और जो परिणाम अर्थात वे शब्द जिन्हें हम नाप तोल नहीं, सॉरी जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। और नंबर चार पर अगर बात करूँ, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार बताया मैंने, अव्यय के कितने प्रकार, चार प्रकार,
क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार? चार प्रकार, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ये आप लोगों की समझ में आया होगा ना भाई। तो प्रकार ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ये हार्ड है कि समझ में नहीं आएगा, इसमें तो ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर एक पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर आप लोगों को पढ़ाया समझ में आता है, लगता है कि आपको लोगों को जो पढ़ाया है वो आप लोगों की समझ में आ गया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। और आपके लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता। आप लोग लाइक करते हो तो कोई पैसा नहीं मिलता, एक मोटिवेशन मिलता है। जब हम देखते हैं कि आप लोगों ने लाइक किया है तो अच्छा लगता है, और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तब भी अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया आप लोगों की समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से उसे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसलिए बोल रहे सपोर्ट करने के लिए, ये जो आवाज़ है इन सबका कुछ हम कर सके। जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करा दोगे, हम लोग लाइव आ जाएंगे, आप लोगों को लाइव आकर क्लास देंगे और ये जो आवाज़ ये है ये ख़त्म हो जाएगी। नंबर एक पर डालिए। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, वे अविकारी शब्द जो स्थान की विशेषता बताते हैं, क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक विशेषण अव्यय। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, राम नीचे बैठ जाओ, जैसे राम नीचे बैठ जाओ, भाई क्या है? मैं अगर बोलता हूँ, अगर मैं एक साधारण सी बात बोलता हूँ, राम बैठ जाओ, राम बैठ जाओ, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? भाई राम बैठ जाओ, ठीक है, राम बैठ जाओ। अब कहाँ बैठ जाओ, कोई स्थान की बात तो नहीं की ना, कोई स्थान विशेष की बात तो नहीं की, लेकिन बैठना क्या होता है? बैठना क्रिया होता है, बैठना क्या होता है? क्रिया होता है, ठीक है, बैठना क्या होता है? क्रिया होता है। और अगर बात करते हैं, राम नीचे बैठ जाओ, मैंने ऊपर नहीं बोला, मैंने सामने नहीं बोला, अगर मैं बोलता तो भी स्थान होता, लेकिन मैंने यहाँ विशेष स्थान के बारे में बताया है, राम नीचे बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? नीचे बैठ जाओ, राम नीचे बैठ जाओ। तो क्रिया की विशेषता क्या बताई है मैंने? नीचे बैठना। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया का स्थान कहाँ है? नीचे है। कहाँ पे है? नीचे है। क्रिया का स्थान कहाँ पे है? नीचे है। तो क्रिया के स्थान की विशेषता क्या हुई? नीचे। तो क्या हुआ? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। इस बात को हम कल अच्छे से देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम रही तो दोबारा से मैं आप लोगों को दोबारा से क्या मैं बताऊंगा ही, दोबारा से इसको बताया जाएगा अच्छे से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो दोस्तों, जो ये आधे घंटे की क्लास होती है ये 1 घंटे की हो जाएगी, जैसे ही हम लाइव आएंगे क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, तो आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हो कि आपका परिवार बड़ा हो और हम लोग लाइव आके आप लोगों को पढ़ा सके, तो सपोर्ट करिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।